अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआएं हैं और आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो सुबह से दिन था बहुत बिजी गुजरा, यासीन के साथ इतना बिजी डे था कि उसे हॉस्पिटल लेकर गई। फिर आपको पता है हॉस्पिटल जाओ तो कितना टाइम लगता है, बस वहाँ मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने आपका यूनिकॉर्न थोड़ी छेड़ा है, ये देखें शिजा अपने टॉयज लेके बैठी हुई है और ये देखिए कितना गंद मचाया हुआ है शिजा ने। सलाम कर लो। मम्मा तो नकली की अफ्तारी थोड़ी बनाती है, मम्मा तो असली की बनाती है ना। कह रही है मैं मम्मा की तरह अफ्तारी बना रही हूँ पर नकली की। अच्छा चलो ठीक है, तो बस आज अफ्तारी में ज़्यादा नहीं प्रिपेयर कर सकी तो मैंने बच्चों को यही कहा कि अच्छा चलें पहले इनका खाना देख लें। ये देखें पिज़्ज़ा बन रहा है अभी। अच्छा पिज़्ज़ा बन रहा है, चेयर के नीचे से अवन बनाया हुआ है पिज़्ज़ा के लिए कि पिज़्ज़ा बन रहा है। बस जल्दी जल्दी, असल में आज मैंने इफ्तारी में पिज़्ज़ा बनाया है ना, बात कर लूँ तो इफ्तारी में आज मैंने पिज़्ज़ा बनाया है तो मैंने बच्चों को यही कहा कि हम यही खा लेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था चार पांच चीज़ें बनाने का। और यासीन कैसा फील कर रहे हो अभी आप? ठीक कर रहे हो यासीन? अपने ना बेल्ट से जो हाथ में से लगा है ना ये, इससे बेजार हो गया है, जो बेल्ट बांधा हुआ है। कह रहा है मम्मा बहुत भारी भारी फील हो रहा है, तो अब थोड़ा सा तो भारी फील होगा ना, जाहिर है छोटा सा तो नहीं है ना। नहीं करो यासीन जी। नहीं नहीं सोना नहीं है, रुक जाओ आपको मैं बताऊंगी कि मैंने पिज़्ज़ा कैसे बनाया, दस्तरखान पे आपको दिखाऊंगी पिज़्ज़ा। बस जल्दी जल्दी बना लिया, बस मैं किचन की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं अपने काम कंप्लीट कर सकूँ। सुबह दोबारा यासीन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर से मिलना था, हड्डी और जोड़ के डॉक्टर से। तो वो दोपहर में 11 बजे से 5 बजे तक होते हैं, तो उन्होंने यासीन को प्लास्टर लगा दिया। उन्होंने कहा कि यासीन के जो है वो गोश भी दब गया है और भी कुछ बताया ना। हाँ तो उन्होंने कहा कि 2 वीक्स का जो है इनको प्लास्टर लगेगा, तो बस देखें। यासीन ने बैठे बिठाए काम बना दिया। यासीन दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द हुआ था जब प्लास्टर लग रहा था तो? हाँ चलो मैं दवाइयाँ भी पिला दूँ अपने बेटे को। सही है ये लाडो रानी स्कूल से आ गई है, दे दो बैग अपना मुझे दे दो। मेरा बच्चा स्कूल से आ गया, स्कूल से आके ना सलाम करते होते ऐसे ना, मुंह नहीं बनाते होते। दे दो मुझे, दे दो आईडी कार्ड भी दे दो। चलो आ जाओ, चलो अंदर चलो। गुड गर्ल, अपने सॉक्स खुद उतार रही है। वाह बहुत अच्छी बच्ची हो गई है। चलो छोड़ो मम्मा उतार देती हैं। और ये पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है हमारा, और आज देखें पिज़्ज़ा है थोड़े से गर्मे हैं और आलू है शिजा के लिए। आ जाए जिस जिसने खाना है, आ जाए जिस जिसने खाना है। यासीन हाथ ऐसे नहीं रखो बेटा, सही रखो, हाँ ऐसे रखो, बेल्ट उतारा है इसका ये मतलब नहीं है। बोलो आ जाए सब पिज़्ज़ा खाने। अब्दुल सुभान भी आ गए हैं। पिज़्ज़ा अफ्तार के बाद मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।
बस इफ्तारी कंप्लीट हो गई और जो है वो हमने खा पी लिया, नमाज़ पढ़ ली, सारे काम कंप्लीट कर लिए और मेरा शाही कप चाय का, मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती और बस मैंने अपने लिए चाय बनाई और बस कप लेके मैं आके बैठ गई। अब बहुत आज का दिन बिजी रहा, बहुत थक गई आज मैं, क्योंकि यासीन के साथ थोड़ी हलचल हो गई मेरी रोज़े में। और कोशिश होती है ना कि घर से रोज़े में बाहर ना निकला जाए, कि गर्मी बहुत, आप लोग भी कोशिश करते होंगे कि रोज़े में बाहर ना जाएं। तो बस यही था आज का, थोड़ा बहुत मैंने जो है वो व्लॉग रिकॉर्ड किया जितना मुझसे हो सका, क्योंकि आज बिज़ी डे था तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। और आप भी चाय पिएं अगर चाय पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो खाना खाएं। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे मेरे समेत और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।